अच्छा जी, मैं इस वक्त जर्मनी के शहर बर्लिन में हूँ, बर्लिन से एक स्टॉप आगे। और ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये लोग, ट्रेन भी मौजूद है लेकिन ये यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं, लेटे हुए हैं। और ये सिर्फ एक वाकया यहाँ हुआ है, पाकिस्तान में नहीं होता, जर्मनी में भी होते हैं इस तरह के वाकयात, इंडिया में नहीं होता, सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो कह लीजिए कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेनें रुक जाती हैं और पुलिस को कॉल कर लिया जाता है। तो हुआ ये है कि जी, जैसे ही हम बर्लिन से फ्रैंकफर्ट के लिए निकले तो एक से दो स्टॉप आगे जो है हुआ ये कि किसी जो मुसाफिर है उसने एक खिड़की तोड़ दी है। तो खिड़की जो बड़ी वाली विंडो होती है वो तोड़ दी है, तो उसकी वजह से ये जो ट्रेन है वो रुक गई है। और जब हमारी बात हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेन के, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को कॉल किया है और पुलिस बस पहुंच रही है यहाँ पर, पहले तो इन्वेस्टिगेट करेगी कि वो विंडो किसने तोड़ी है और फिर उसके बाद विंडो लगाई जाएगी, और जो विंडो लगाने के बाद फिर ये जो ट्रेन है ये चलेगी। तो ये देखें, लोग चूँकि सफोकेशन हो गई है, ट्रेन बंद है, तो लोग फिर यहाँ नीचे बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पुलिस पहुँचेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो विंडो भी आपको दिखाऊं जो तोड़ी गई है और जिसको ठीक करने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है, और विंडो भी दिखाते हैं और पुलिस भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो प्रोग्रेस हो रही है अब तक या हुई है उसकी डिटेल भी आपसे शेयर करूं। तो ये लोग शर्माते नहीं हैं, अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं, वहीं लेट भी जाते हैं, वहीं सो भी जाते हैं। देखें, जिसने स्टडी करनी है उसने वो निकाली बुक और यहाँ स्टडी कर ली, और जिसने आराम करना है वो फिर नीचे ही बैठकर आराम कर लेता है। तो वो जो स्टेटस का इशू है कि जी नीचे नहीं बैठना ज़मीन पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। तो आप देख लें, मैं पूरी ट्रेन का मुआयना आपसे तो करवा रहा हूँ कि, और देखते हैं आगे कि वो विंडो कौन सी है जिसको तोड़ा है और क्या प्रोग्रेस है इस सिलसिले में अब तक हुई है। तो चलते जाएं, तकरीबन पूरी ट्रेन जो है वो मैंने आपको दिखाई है, कोशिश करते हैं कि वो वहाँ तक भी पहुँचे। विंडो राइट है, लेफ्ट है, और कहाँ है आप कह रहे हैं कि जी पुलिस आई है, दिखाते हैं जी यहाँ पर को, पुलिस वाले नज़र आ जाए। तो देखें भाई कि जो बताए सिचुएशन, विंडो कौन सी है, एक विंडो में झांक तो रहे हैं लोग, पूछते हैं वही वाली विंडो है या कोई और विंडो है। चलें जी, ट्रेन ख़त्म हो गई है भाई, विंडो तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन झांक के लोग ये कह रहे हैं कि इसी डब्बे की कोई विंडो है जो कि तोड़ी गई है। और ये स्टाफ खड़ा है, स्टाफ यहाँ खड़ा है, और आप देखें तो लोग अब वेट कर रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि ये वो डब्बा है जिसकी कोई विंडो तोड़ी है किसी मुसाफिर ने। तो लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है कि यहाँ पर, इसका मतलब है पुलिस आने में टाइम है, और जब ये विंडो लगेगी तब जाकर जो है वो फिर ट्रेन चलेगी। तो यहाँ भी जर्मनी में भी ट्रेन जो है वो लेट होती हैं, हमारे कई दोस्त हैं जो यहाँ आए और वो लेट हुए और लेट पहुँचेंगे, तो ये सूरत हाल है। तो आपको पूरी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ जी, जो
वेट कर रहे हैं और कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहे कि जी ये ट्रेन चलेगी फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर। तो बताने का मकसद ये है कि ये सब कॉन्टिनेंट में नहीं होता, यहाँ पर भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि कोई सरबराह कुछ हरकत कर बैठता है और फिर ट्रेन जो है वो लेट हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि ये अब ट्रैक्स जो है वो एक ट्रैक पर ही मसरूफ़ हो गया, माइट भी के पीछे वाली जो ट्रेन हैं वो भी लेट हो जाएं और कह लें कि जी मुश्किल हो। मुसाफिरों को मुझे भी जाना है, मेरी कल की फ़्लाइट है, खैर टाइम तो है, टेंशन नहीं है। अगर डेढ़ दो घंटे भी ट्रेन जो है वो लेट होती तो इशू नहीं है, तो फ्लाइट में काफ़ी टाइम है। तो ये देखें जी भाई नीचे बैठे हुए पपीज़ भी हैं, पपीज़ यहाँ तो पपी बोलेंगे, कुत्ता तो बोल नहीं सकते यहाँ, पर जुर्माना वुर्माना ना हो जाए यहाँ पर। तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं सुकून से, किसी के पास छोटे वाला कुत्ता है, किसी के पास बड़े वाला कुत्ता है। तो ये है सूरत हाल, आप देखें स्टेटस कहीं नज़र नहीं आता यहाँ कि जी अमीर गरीब और किसी के लिए जो है वो नौकर चाकर सब एक जैसे लोग नज़र आते हैं। ये देखें ये जो खातून है उनसे बड़े साइज का तो उनके पास कुत्ता था। तो ये अभी देखते हैं कब चलती है, तो आपको अपडेट करते हैं कि कब तक चलती है। अच्छा भी ये जर्मन पुलिस आ गई है और जर्मन पुलिस जो है वो ऑफिस डब्बे में दाखिल हुई है। तो ये जो सामने विंडो है ये तोड़ी है किसी ने, तो अब यहाँ का रूल है कि जी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले पुलिस को आगाह करते हैं, फिर आप जो है ना वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं। तो यहाँ अब अंदर जो है ना वो डब्बे में पुलिस के एहलकार यहाँ पहुँच गए हैं और हमें तो बताया गया कि 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आधा पौना घंटा लगा है। तो शायद इस स्टेशन के ऊपर नहीं होगी पुलिस की वो सर्विस, तो देखें अब पुलिस क्या एक्शन लेती है और किसको पकड़ती है। तो पुलिस डब्बे में घूम रही है और देखते हैं जी ये कितने बजे ट्रेन चलती है और कितनी ख्वारी लिखी हुई है।